वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़े को परिपाना जी. अभी ऑलमोस्ट 1:15 बज रहा है और मैं जा रही हूँ जरा आरफ को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि आज आरफ थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है रात से ही, और उसको स्टमक एक बहुत हो रहा है, पेट में दर्द है और हल्का हल्का उसको मतलब लूज मोशंस भी हैं. तो ये अच्छे साइंस नहीं है, लेकिन गर्मी में हर साल उसको ये प्रॉब्लम आती है. तो इसमें कुछ नया नहीं है कि उसका पेट दर्द हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है, क्योंकि गर्मियों में बच्चे इतनी गर्मी में स्कूल से आते हैं तो धूप वगैरह बहुत होती है और हर साल उसको ये प्रॉब्लम आती ही आती है. तो अभी बिना कोई लापरवाही किए मैं फटाफट बस उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ और वहाँ से आके मैं आपको बताऊँगी कि डॉक्टर ने आरफ के लिए क्या बताया और उसको क्या क्या प्रिकॉशंस हमें देने हैं. और खाने में बिल्कुल लाइट, नो तला पला दूंगी, सिर्फ खिचड़ी वगैरह दही ही खाएगा. तो मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, चिंता की कोई बात नहीं है. चलिए गाइस, मैं आरफ को डॉक्टर के पास लेकर गई थी. एवरीथिंग इज ओके. डॉक्टर ने बोला है डरने की कोई बात नहीं है, इसे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गर्मी की वजह से दिक्कत आ रही है और गर्मी ही लगी है इसको. तो दवाइयाँ उन्होंने दे दी हैं, इलेक्ट्रॉल वो पी रहा है. तो और जब से दवाई दी तब से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट. और अभी स्टूडेंट्स का टाइम हो चुका है, सारा काम खत्म हुआ है, जस्ट अभी नहा धोकर भी मैं अभी रेडी हुई हूँ और अभी मैं आपको मिलवाती हूँ आरवी से. ये देखिए गाइस, आरव और जग्गू दोनों चड्डी बड़ी लंगोटी है दोस्त. आरवी अब ठीक हो? इधर इधर मुंह दिखाओ, इधर मुंह दिखाओ. हेलो, ओके नाउ? बुखार तो है ही नहीं, था ही नहीं, पेट दर्द भी ठीक बिल्कुल. इधर तो देख, हाँ जी हाँ जी, देखो मास्टर शेफ हमारा. गाइस मेरी मदर इन लॉ का फोन आया, तो मम्मी कह रही थी कि इसको नजर लग गई, इतना अच्छा कुकिंग करने लग गया है लड़का, तो इसको नजर लग गई है. बट अपनों की नजर कभी लगती नहीं है. तो चलिए ठीक है, अब हम मिलेंगे शाम को. और शाम को थोड़ा मंदिर वगैरह भी जाना है, क्योंकि आज अक्षय तृतीय है, तो मथा टेक कर आएंगे मंदिर जाकर. तो अभी आप जाते हैं पढ़ाने और आपसे मिलेंगे शाम को. A few moments later. सभी बच्चे पढ़ के जा चुके हैं फ्रेंड्स, और अभी आरव और मैं निकलेंगे मंदिर के लिए, क्योंकि आज है अक्षय तृतीय और मंदिर में जाकर दान पुण्य करना बहुत जरूरी है. यार लोग तो गोल्ड वगैरह खरीदने जा रहे हैं, सिल्वर खरीदने जा रहे हैं, भैया हम तो अफोर्ड कर नहीं सकते अभी गोल्ड छोड़ लेना. तो अभी मैं और आरव हम दोनों जाएंगे मंदिर और थोड़ा सा जाके जो हम दान कर सकते हैं थोड़ा बहुत वो दान करेंगे. उसके बाद हम दोनों जाएंगे पेट्रोल पंप पे गीता कॉलोनी और फिर आगे खाना वाना बनाएंगे. आप देख रहे हैं पीछे से आरव को मस्ती करते हुए. आरव तेरा काम नहीं हुआ? मिली आरव से, क्या करने लग गया तू? तबीयत ठीक है ना बिल्कुल? अभी बढ़िया, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टमक वगैरह अपसेट कुछ नहीं है ना? तो कल फिर स्कूल जाना है ठीक है? हाँ, वो गर्मी से ही हुआ तुझे जो भी था. चल ठीक है, फटाफट निपटते हैं, फिर हम मिलते हैं बाजार में. बाजार में, बाजार में. और ये देखिए गाइस कमरे का हाल, अभी जो बच्चे पढ़कर गए ना, ये देखिए सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है. जरा फटाफट सब समेट समाट के फिर हम बाजार मिलते हैं आपसे. गाइस मम्मी अभी ले रही है जनरल स्टोर से सामान, अभी मिलते हैं आपसे बाद में. बाय गाइस, अभी हम आए हैं साईं बाबा जी के मंदिर और यहाँ पर दूध और चावल हम दान करेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी अक्षय तृतीय है और दान का बड़ा फल होता है. तो आइए मिलते हैं मंदिर में, आ जाओ. जय साईनाथ जी. गाइस मैं पीछे बैठा हूँ और मम्मी चला रही है स्कूटी. इतना टाइम में तो हम आना जाना कर लें जितना यहाँ पे ट्रैफिक जाम मिलता है. सही में पेट्रोल भरवाने का मतलब है एक डेढ़ घंटा गया तुम्हारा. हाँ और क्या, चलो कोई नहीं, अब जा रहे हैं, पेट्रोल तो भरवाना ही है यार. और वैसे भी ब्रेक हमारी वो है डीली, हमारी ब्रेक डीली नहीं, इसने एकदम से ब्रेक मार दिया था गाड़ी में. अच्छा जी, बेटा जिसने दिल्ली में दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला ली ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चला सकता है. अच्छा जी, चलो बोलो. गाइस अभी हम आए हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने और इतनी लंबी लाइन में भी हम छुप गए और लाइन में लग गए. अब दूसरा लाइन तोड़ दी, लाइन तोड़ दी. दूसरा चल पेट्रोल भरवा के मिलेंगे. गाइस देखिए बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है और अभी हम घर जा रहे हैं. गाइस पता नहीं सड़कों पे कहीं पर भी गाड़ी, मैंने क्या बोला? गाइस कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करके जाम लगा के खड़े हो जाते हैं. कार्टून लोग है ना, टायर पंचर कर देंगे गाड़ी. चलो चलो चलते हैं ना. चलिए गाइस अभी टाइम है डिनर का, 9:30 हो चुके हैं और आज मेरे हस्बैंड एक्चुअली लेट आएंगे. बेचारों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो उनके लिए बन रहा है मलाई पनीर, शाही पनीर, जो भी मतलब पनीर आप समझ लीजिए, बट अच्छे वाला पनीर बन रहा है. मैं और मेरे बच्चे बड़े खुश हो गए. चलिए बनाइए 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 रेसिपी, कोई पनीर रेसिपी जल्दी आइए. सेक्रेटरी फॉलो मी. सबसे पहले मैं इसमें एक्चुअली डाल रही हूँ जीरा पाउडर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना जीरे से बड़ी एलर्जी है, तो मैंने थोड़ा सा पाउडर बना के रखा हुआ है, तो मैंने डाल दिया जीरा पाउडर.
आप जीरा भी डाल सकते हैं एज योर विश। और अब मैंने डाला इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, ये है दो बड़े बड़े प्याज, और अब इसे हम हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। ये देखिए गाइस, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। गाइस क्यों निकलता है? पतनी गाइस ही निकलता है। अब हम डालेंगे टमाटर। गाइस गाइस बोल रही हूँ मैं, गाय नहीं बोल रही, गाइस। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके गाइस, और अब मैं डालूंगी इसमें नमक मिर्च और हल्दी। हमें ज्यादा भूना भाना कुछ नहीं करना। मुझे बहुत जल्दी बना रही है, मुझे ना एक्चुअली भूख बहुत जोर से लग रही है। मैंने शाम को कुछ खाया नहीं आज, तो मतलब पेट में ना चूहे नहीं कूद रहे हैं, हाथी कूद रहे हैं मेरे। तो अब ये डाला हल्दी और मिर्च थोड़ी हाथ रोक कर, क्योंकि कई बार मुझसे मिर्च एक्चुअल में तेज हो जाती है, बस मेरे बेटे को तेज लगती है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला, बस एक चम्मच। और अब मैं इसमें थोड़ा सा टैंगीनेस देने के लिए डालूंगी टमाटो केचप। इट विल बी वेरी टेस्टी, आई एम टेलिंग यू। ये बनेगा टैंगी टैंगी। ये देखें, अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इस मसाले में मैं डाल दूंगी ये कटा हुआ आधा किलो पनीर, ये ऑलमोस्ट हाफ के जी है। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना आपने, यू डोंट नीड टू ऐड वाटर। अब हम डालेंगे इसमें यम्मी लिशियस दूध, नो पानी प्लीज। ये हमने डाला इसमें दूध ऑलमोस्ट आधा ग्लास, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा डूगी भी शायद बाहर आया हुआ ना। और अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर पकने के लिए रख देंगे। गाइस अभी 5 मिनट हो गए हैं। क्या बोल रही थी आप? किचन में काम कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा शाही पनीर बोल लो, क्रीम पनीर बोल लो, चीज पनीर बोल लो, जो मर्जी बोल लो आप, मतलब तो पनीर चीज के बिना भी हम डाल देते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी पाउडर। मैं ना तेरा डायलॉग सुन के पक चुकी हूँ, मत बोलियो। जिसका कोई कसूर नहीं है। ये देखिए गाइस हमने डाल दिया कसूरी मेथी को इसमें। गाइस वाओ, और इसके साथ आप चपाती खा सकते हैं, पतले पतले फुलके या राइस, जो भी आपका मन करे। और ये बन गया हमारा टेस्टी इजी सिंपल तरीके से बना हुआ यम्मी पनीर। फिर बोलना पड़ता है, देख रहे हो गाइस। और गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। यार आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, आप खुद ही बताइए, बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। प्लीज 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 सपोर्ट अस, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और इसी तरह एमडीज मसाला पकड़ा हुआ हाथ में, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्माइल करते रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, मिलेंगे कल। फिर ऊपर हो गया हाइट से। हाँ।